तो बड़ी खबर आपको बता दे, राकेश ठीक है, रूट से अलग जाना चाहते थे। आप सुन रहे थे बीएन सिंह, किसान नेता, जिन्होंने आरोप लगाते हुए अब एक बड़ा ऐलान किया है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ खुद को किसान आंदोलन से अलग कर रहा है। बड़ा ऐलान, और जाहिर तौर पर बेपटरी होगी। जो कुछ कल हुआ उसके बाद ये पूरा आंदोलन बेपटरी होगा, बिल्कुल वही होता हुआ अब नजर भी आ रहा है। कल जो कुछ उत्पात हुआ, 20 किसान नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अब इस मामले की जांच चलेगी। इनमें राकेश टिकैत सबसे बड़ा नाम, जिस पर आरोप भी बीएम सिंह ने लगाए, ये कहते हुए कि राकेश टिकैत जो रूट तय किया गया था उससे अलग जाना चाहते थे। हालांकि हर मंच पर राकेश टिकैत खुद को अलग कर रहे हैं, ये कहते हुए न तो वो माफी मांगने को तैयार है, और ये कहते हुए कि जो कुछ हुआ वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था, ये आरोप तक उन्होंने लगा दिए। अब राकेश टिकैत पर खुद किसान संघ की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक जो रूट तय था उससे अलग रूट पर जाना चाहते थे, और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बड़ा ऐलान किया है कि अब आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तमाम पदाधिकारियों ने आपस में बातचीत करके ये अहम निर्णय लिया है। और देखिए, टिकैत ने समय से पहले मार्च निकाला। राकेश टिकैत बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, क्योंकि अभी इस बात की जांच होगी कि इनकी शह पर ये सब कुछ हुआ। दो अहम नाम जिन्होंने किसानों को भड़काया, उकसाया, अभी वो नाम सामने नहीं आए हैं जिनकी गिरफ्तारियां संभव नहीं हो पाई हैं। एक दीप सिद्धू और दूसरा सिधाना, गैंगस्टर पंजाब का,